मीन राशि वालों का आज का राशिफल यानी कि 6 मार्च 2020 का राशिफल। तो जय श्री राम दोस्तों, आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं 6 मार्च के पंचांग के बारे में। आज तिथि है एकादशी, नक्षत्र है पुनर्वसु, पक्ष है शुक्ल पक्ष और दिन है शुक्रवार। आज के दिन सूर्य उदय हो रहा है 6:40 में और सूर्यास्त है 6:24 में। चंद्रोदय है 2:43 PM में और चंद्रास्त है अगले दिन 4:53 AM में। ऋतु है वसंत और आज का दिन काल है 11:43:58 का। महीना है फाल्गुन और आज आपके लिए शुभ समय है दोपहर के 12:09 से 12:55 तक। अशुभ काल शुरू होता है सुबह के 9:01 से 9:48 तक और दोबारा है 12:55 से 1:42 तक। राहु काल शुरू होता है 11:04 से 12:32 तक और दिशाशूल है पश्चिम दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। अब हम जानेंगे आपके आज के दिन के बारे में, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें और वीडियो को हर जगह शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के नीचे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मीन राशि वालों, आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है क्रीम और सफेद। भाग्यशाली अंक है आपके लिए 7 यानी कि 7। और अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से आपका समय सामान्य रहने वाला है। आज के दिन आपको अपने रहन सहन का, अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना होगा और साथ में ही आज के दिन आपको चिंता भी छोड़ देना है, क्योंकि जब तक आप चिंता नहीं त्यागेंगे तब तक आपका स्वास्थ्य ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। इस बात को आज के दिन आप याद रखें। अगर आपके धन संपत्ति की ओर देखा जाए तो पैसों के लिहाज से भी आपका समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। आज के दिन आपको आर्थिक लाभ की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस राशि के जो भी लोग दूध का काम करते हैं, दूध का व्यापार करते हैं, उन लोगों को खास तौर पे ज़्यादा फायदा होगा। वैसे अगर आपके घर परिवार की ओर देखा जाए तो आज आपका पारिवारिक जीवन ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा। अगर आपके घर परिवार में किसी दो व्यक्ति का थोड़ा बहुत भी मतभेद हो गया हो तो आज के दिन आप सबसे पहले उन लोगों को मिलाने का प्रयास करें, ताकि आपका पारिवारिक जीवन बेहतर रहे और आपके घर परिवार में आज के दिन कहीं कोई बाधा नहीं आए। तो अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। दोस्तों, प्रेम संबंध के लिहाज से आपका समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। आज के दिन अगर अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका से आप मिलते हैं या फोन पर वार्तालाप करते हैं तो अपने दिल की बात आज के दिन आप उनसे कह दें, ये आपके प्रेम संबंध के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब बात करते हैं आपके कामकाज के बारे में। दोस्तों, कामकाज के लिहाज से भी आपका समय सही रहने वाला है। आज के दिन अपने कामकाज में आप ईमानदार रहें तो आपको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अब जानते हैं आपके आज के उपाय के बारे में। दोस्तों, उपाय ये है कि आज के दिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और पूजा में आपको बूंदी का लड्डू चढ़ाना है और फिर वह लड्डू आपको घर वालों के बीच बांट देना है और खुद भी खाना है। इस टोटके को आजमाने से आपका आज का दिन बेहतर हो जाएगा, शानदार हो जाएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।